30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के एक मैजिकल हेयर ऑयल, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना रुकेगा, नए बाल उगेंगे, बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत, काले, घने, मुलायम होंगे। दोस्तों ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको लेना है आधा प्याज, उसको एक बर्तन में डाल दें, फिर उसमें आपको लेना है मीठी नीम की कुछ पत्तियों को, फिर उसमें आप ऐड कर सकते हैं एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला, और फिर यहाँ पे आप नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में डालें ताकि इसको एक महीने तक आप स्टोर करके रखें। इसको अच्छे से आपको पकाना है 7 से 8 मिनट तक, और फिर उसको छान लेना है। छानने के बाद ठंडा ज़रूर करें। ठंडा करने के बाद इसको आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी कांच की बॉटल में महीनों तक। सप्ताह में 2 बार लगाना है, जड़ों में लगाना है दोस्तों, मालिश करना है कम से कम 15 मिनट तक, रात में लगाएं, अगले दिन शैम्पू करें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बाल जो है ना बहुत ही अच्छे होंगे, गंजेपन की शिकायत दूर होगी, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। बाल टूटते झड़ते बालों को रोकना चाहते हैं और बालों को बेहद काला, लंबा, घना बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये मैजिकल हेयर सीरम की रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ दिन करिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बाल आपके इसी तरीके से चमकेंगे। दोस्तों आपको लेना है एक बर्तन में 1 गिलास पानी, उसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच चाय का पत्ती और कुछ करी लिप्स की पत्तियों को, जिसको मीठी नीम की पत्तियाँ बोलते हैं, उसको डाल दीजिए, और फिर उसमें ऐड कर दीजिए बे लिप्स यानी तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता डाल करके इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से उबालना है 10 से 12 मिनट तक। बहुत ही बढ़िया इसका कलर आएगा, सभी चीज़ों का गुडनेस इस पानी में घुल जाएगा और ये मैजिकल वाटर बन जाएगा, मैजिकल सीरम बन जाएगा। इसको छान करके इसमें आप ऐड कर दीजिए 1/2 नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको स्प्रे बॉटल में भर करके और फिर आप अपने बालों की जड़ों से लेकर के सिरों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए और दोस्तों 20-25 मिनट रख करके नॉर्मल वाटर से जो भी शैम्पू करते हैं शैम्पू कर लीजिए। बाल आपके इसी तरीके से सुंदर, खूबसूरत और चमकदार होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। पार्लर जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसे बाल अपने घर पे पाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरा रियल सिल्की शाइनी और चमकदार बाल है, आपके भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आपको लेना है पका हुआ चावल 1 कटोरी भर के, उसको डालना है ग्राइंडिंग जार में, फिर आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल 1 कटोरी निकाल करके आपको एलोवेरा जेल ले लेना है ग्राइंडिंग जार में, 1/2 नींबू का रस, फिर उसके बाद आपको ऐड करना है कोकोनट ऑयल कम से कम 1 चम्मच, फिर आप इसमें ऐड करें दोस्तों फ्रेश दही 2 चम्मच, दही हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल करके इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर निकल के आएगा दोस्तों, और यह टेक्सचर आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत और सिल्की शाइनी बनाएगा। जड़ों से सिरों तक इसको अच्छे से लगा लेना है आपको, और लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक छोड़ के नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। शैम्पू आपको 1/2 घंटे बाद करने हैं दोस्तों। बाल इतने चमकदार, सिल्की शाइनी, खूबसूरत होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। ट्राई ज़रूर करिएगा वीक में कम से कम 1 बार। अगर आप भी इसी तरीके का सिल्की शाइनी और चमकदार बाल पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आज की इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे खुद के रियल बाल बहुत ही सिल्की शाइनी और चमकदार है क्योंकि मैं इस रेमेडी को कंटिन्यू फॉलो करती हूँ, आप भी फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, लेना है चाय का पत्ती 1 बर्तन में 1 चम्मच से 2 चम्मच चाय का पत्ती, उसमें 1 गिलास पानी डाल करके इन सभी चीज़ों को 7 से 8 मिनट तक उबालें, फिर छान लें। छानने के बाद ठंडा करें। 1 चम्मच आपको ऐड करना है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं आप अपना फेवरेट शैम्पू, जो भी आप अपने बालों पे यूज़ करते हैं, 1 पाउच या फिर 2 पाउच या फिर 1 चम्मच या 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स करें और इसी से आपको अपने बालों को वॉश करना है। वीक में रेमेडी को 2 बार ट्राई करें दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट के लिए। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, चमकदार, सिल्की शाइनी बाल होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वैसे वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो करें।